चुके हैं विकास के नाम पर। और आज अगर मैंने 71वें साल में जब हम लोग आ गए हैं, तब हम लोगों को ये महसूस होता है राज बनने के बाद 2018 में 2014 के बाद आज तक जो हम लोगों को बीटर एक्सपीरियंस है वो ये एक्सपीरियंस ये है कि आज़ाद भारत में क्या हम लोग आज़ाद हैं। आज हम लोग मैंने सोचने के लिए हम लोग विवश हैं। हम लोग तिरंगा झंडा को हम लोग सैल्यूट करते हैं, इसलिए कि सिद्धू कान्हू चांद भैराव के खून से भी तिरंगा झंडा को उन्होंने फहराया था, देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी। लेकिन तिरंगा झंडा के नीचे आने के बाद भी आज सारे आदिवासी समुदाय सिर्फ भाव विहाल होकर उसको देखते हैं और ये सवाल करते हैं कि क्या हम इसी आज़ादी की लड़ाई लड़े। पहले तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को कब्जा करके रखा था, आज की तारीख में झारखंड में झारखंड के आदिवासी समाज, मूलवासी समाज, किसान समाज को बर्बाद करने के लिए, यहाँ के नेचर को बर्बाद करने के लिए, यहाँ के प्रकृति को बर्बाद करने के लिए, यहाँ के जल स्रोतों को बर्बाद करने के लिए, यहाँ आज की तारीख में गवर्नमेंट का जो पॉलिसी हुआ उस पॉलिसी के तहत में हजारों हजार यहाँ पर MNC आ रहे हैं, हजारों हजार कंपनियां आ रही हैं और उन कंपनियां तमाम कंपनियां यहाँ के लोगों से सारा चीज को लूटना चाहती हैं, बंदूक के नोक पर लोगों को साइलेंट कर रहे हैं। जो आज की तारीख में अपने विरोध में बात करेगा, भारत की संविधान की बात करते हैं, भारत की संविधान ने 5वें अनुसूची दिया, 5वें अनुसूची में आदिवासी क्षेत्र को अपना अधिकार दिया, पैसा एक्ट भी आया, उन्होंने भी अपने भारत के आदिवासियों को अपना अधिकार दिया। लेकिन आज की तारीख में ना तो आज़ादी के बाद 71 साल में भी 5वें अनुसूची का कहीं पर भी पालन नहीं किया गया। अगर 5वें अनुसूची का पालन किए हुए रहता तो आज इतने सारे जो कंपनियाँ आ रही हैं और उनके खिलाफ में आदिवासी खड़े हुए हैं और उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, आज ये टसल नहीं होता। आज खूंटी जैसे क्षेत्र में जहाँ पर पत्थलगड़ी का जो सवाल हो रहा है वो तो इतिहास का है, वो तो अपना पहचान का एक हिस्सा है, लेकिन आज की तारीख में वहाँ पर ही जो पत्थलगड़ी इसलिए लोग कर रहे हैं, गुस्सा में कर रहे हैं कि नहीं हमारा इतिहास ये है, हमारा परंपरा है, हमारा अधिकार है। एक तो 5वें अनुसूची को आपने पालन नहीं किया, पैसा एक्ट बना, पैसा एक्ट के बाद भी आपने ये कानून को लागू नहीं होने दिया और यहाँ पर जितना आप भारत की संविधान में हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, हम बोल सकते हैं अपना हक के लिए, अपना रैली निकाल सकते हैं, अपना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में आप गवर्नमेंट के मैंने एंटी पीपल्स पॉलिसी है उसके खिलाफ नहीं कह सकते हैं, आप जंगल की रक्षा की बात नहीं कर सकते हैं, आप भोजन की